This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्तवाल। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जयन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की तमाम हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कौन सा फैक्टर कहां कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, प्रॉपर्टी मार्केट की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए, देखिए हमारे शो प्रॉपर्टी इंडिया में। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट netv.com/property पर भी आप जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना आसान है, शहर बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मकान खरीदारों के कई कई साल के बुक घर अब तक नहीं मिले हैं उन्हें। NCR में कई बिल्डरों ने नहीं पूरे किए अपने प्रोजेक्ट, पैसा लगाने वाले लोग बेहाल। ऐसी समस्याएं सुलझाने के लिए कब तक आएगा नियामक कानून? और रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए आपके सवालों के जवाब। आज के शो में खास फोकस घरों की डिलेड पोजेशन पर। ये मुद्दा देश के हर शहर में फ्लैट खरीदारों को परेशान कर रहा है। शायद ही कोई बिल्डर ऐसा होगा जो कि आज की तारीख में अपने किए वादे के मुताबिक सही वक्त पर फ्लैट की डिलीवरी दे रहा हो। रियल एस्टेट सेक्टर के बुरे हाल को देखते हुए कुछ महीनों की देरी तो खरीदार सह लेता है, लेकिन जब यही देरी दिनों से महीनों और फिर सालों में बदल जाती है तो खरीदार अपनी EMI और किराए के बोझ तले दबता चला जाता है। उधर बिल्डर इससे बेपरवाह नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर पैसा बटोरता रहता है। नतीजा यह है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देरी एक आम बात हो गई है। ऐसे में रियल एस्टेट रेगुलेटर का न होना भी बिल्डरों की इस मनमानी को बढ़ावा दे रहा है। उस पर मुसीबत है कि देरी के लिए जो पेनल्टी बिल्डर को खरीदार को देनी होती है वो पहले से बहुत कम होती है, और साथ में अक्सर बिल्डर पोजेशन के वक्त अनाप शनाप चार्जेस लगाकर उससे भी बच निकलते हैं। नामी गिरामी कंपनी जॉन्स लैंग लसाल इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 25% मकान वक्त पर खरीदारों को नहीं मिले हैं। सबसे बुरा हाल नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR का है। गुड़गांव में पिछले साल मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 33% ही वादे के मुताबिक मिले। नोएडा में तो पिछले साल तैयार होने वाले प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 20% ही बनकर तैयार हुए। पुणे और मुंबई के बिल्डरों ने अपने वादे में थोड़ी बेहतरी दिखाई और 40% मकानों को वक्त पर दिया। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मुनीश उपाध्याय, जो कि पार्टनर है SNG एंड पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के। साथ ही में मौजूद है डॉक्टर वेंकट अय्यर, जो कि एक फ्लैट बायर है। इन्होंने JP ग्रीन्स कॉस्मोस में मकान खरीदा था। और साथ ही में हमारे संवाददाता मोइन कादरी हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो कि परेशान हैं, त्रस्त हैं इन्हीं बिल्डरों के फ्लैट्स को वक्त पर पोजेशन ना देने की वजह से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अय्यर से। तो वेंकट, आपसे जानना चाहेंगे, आप परेशान हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी एक इंसान के लिए जिसने ऐसा पैसा लगाया है वो क्या होती है? क्या आपका EMI आपको परेशान करता है, या अपने घर पे ना रह पाने की जो एक टीस होती है वो आपको परेशान करती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा घर जो हमने बुक किया था 2009 में, वो 2014 हो गया और पोजीशन अभी तक नहीं मिला है। ना हमें कॉम्पेंसेशन दिया गया है, जब हमने मांग की कि इसे हमें एटलीस्ट फ्यूचर प्राइसेस में एडजस्ट करके कुछ तो कट करके प्राइस ले CLP में, वो भी बिल्डर ने मना कर दिया। और हमें ये सुनने को आया है कि जो सुपर एरिया है वो बढ़ जाएगा, लास्ट मिनट में बढ़ जाएगा, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमें कॉम्पेंसेशन मिलना था वो सारा कट जाएगा सुपर एरिया में, तो फिर हमें लेने के देने पड़ेंगे।
सुना है कि पवेलियन जो जेपी का ही एक और प्रोजेक्ट है वहाँ 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बायर्स को देना पड़ा 8 साल वेट करने के बाद। और मुझे नहीं चाहिए कि मैं इतना वेट करने के बाद मुझे कॉम्पेंसेशन मिलने के जगह बिल्डर को मैं कॉम्पेंसेट करूँ। जी बिल्कुल, ये एक हैरेसमेंट से कम नहीं है। मुनीश, आपको क्या लगता है इस तरह की स्थिति में जब बिल्डर्स दूसरे पैंतरे अपना कर पैसे जो पेनल्टी के तौर पर देने चाहिए बायर्स को उससे बचते हैं, क्या उसे एड्रेस किया जा सकता है कानूनी स्तर पर? देखिए, कानूनी स्तर पे तो रेगुलेटर का अपॉइंटमेंट इस सारी समस्या का समाधान है, लेकिन जब तक सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती है तो जो बाइबल है इस सारे काम में ग्राहक निवेशक और बिल्डर के बीच में वो उनका अलॉटमेंट एग्रीमेंट या बिल्डर बायर एग्रीमेंट रहता है। और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट ज़्यादातर, चूँकि बिल्डर उसे खुद ड्राफ्ट कराता है अपने लीगल काउंसिल से, वो बहुत लॉपसाइडेड या बिल्डर के फेवर में रहता है। वो इस तरीके से ड्राफ्टेड होता है कि कंज्यूमर्स को जो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें उसको रिलीफ इतना नहीं मिलता है। इट इज़ ऑलवेज एन ओपन एंडेड एग्रीमेंट, उसमें कभी ये नहीं लिखा होता कि बिल्डर जो है ड्यूटी बाउंड है, टाइम बाउंड है कि इतने समय में इस प्रोजेक्ट को बना के देगा जी। या उसमें जो भी कॉम्पेंसेशन की बात है वो इतनी कम या मिनिस्क्यूल होती है, जैसे मिस्टर अय्यर ने बताया कि उसका कोई मायने रह नहीं जाता है जी। बिल्कुल, तो न सिर्फ परेशान रहते हैं उसके अलावा कानून भी उनके ऊपर हावी रहता है। तो रुक करते हैं हमारे संवाददाता मोइन का, जिनके साथ कुछ और खरीदार मौजूद हैं। मोइन, यहाँ पर हम जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है कि आखिर जो ये डिफॉल्टिंग बिल्डर्स होते हैं उनको दोबारा फिर लॉन्च करने की, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की इजाज़त कैसे मिल जाती, ये हमें समझ में नहीं आता। ख़ास तौर पर दो बड़े नामी गिरामी बिल्डर वो बार बार डिफॉल्ट करते आए हैं और उन्हीं के हम यहाँ पर फ्लैट बायर्स को लेकर आए हैं। आपके साथ जो है वो क्या कह रहे हैं? जी, साफ बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बिल्डरों से परेशान हैं। हमारे बीच ऐसे ही कुछ लोग हैं, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था और कितने दिन हो गए अब तक पोजीशन नहीं मिला है आपको? देखिए, हमने जो है जून 2009 में हमने जो बुक कराया और इनका प्रॉमिस था कि जो आफ्टर 2 ईयर्स ये हमको जो है 100% दे देंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए 5 ईयर्स हो गए हैं अभी कि अभी तक हमने कोई भी अभी जो 100% नहीं मिला अभी हमको। और सीधी ये लोग जो बात करते नहीं हैं, सबसे पहले तो ये जो है 6 महीने बहाते थे, फिर उसके बाद 1 साल बहाने लगे, अब जो है ये जो है कहते हैं कि अब 2-2 साल 3-3 साल बहा रहे हैं इस समय। और जबकि हम लोगों ने जो है FIR तक जो है बंदरदास करी तब जाके उन्होंने अब जो है एक जो डेट दिया है 2016, तो वो भी जो है श्योर नहीं है, इट इज़ नॉट श्योर। अभी समझ लीजिए हमारे पास ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, हम बस केवल ये चाहते हैं कि जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कि हमने जो वोट दिया है, इन शख्स से पूछ सकते हैं कि इन्होंने कहां पर निवेश किया था जिसमें इन्हें ये दिक्कत आ रही है, और बिल्डर की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया, और आपको जो बिल्डर्स जो हैं उन लोगों ने क्या कहा, क्या कहा? हाँ, हमने निवेश किया था ये यूनिटेक यूरी होम्स सेक्टर 117 नोएडा, और उन्होंने पहले जो है मतलब इकोनॉमिकल 2 BHK फ्लैट ये लोग जो है मतलब बनाने का इनका प्लान था, इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है इनका फेज 1, फेज 2, फेज 3, और पूरे सेक्टर में इनके जो है तकरीबन 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं लगभग। और अभी जो है हम लोग जैसे मेरा प्रोजेक्ट समझिए मतलब फेज 1 का है, इनिशियल प्रोजेक्ट था जब ये प्री लॉन्चिंग में हमने जो है लिया था, और तब भी अभी तक हमको जो है मतलब कुछ भी ना कोई आशा दिख रही है ना कुछ, अभी मतलब पुलिस जो है SSP तक जो है कह रहे हैं कि आप जो है कोर्ट में जाइए जी, हम लोग केस नहीं ले सकते। उन्होंने FIR किया, कुछ जो मीटिंग चली यूनिटेक के हायर मैनेजमेंट के साथ SSP साहब की जो कुछ मीटिंग चली, लेकिन उसका कुछ जो है नेट रिजल्ट जो है जैसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो हम बोलते हैं वो नहीं मिला हमें, हमको जो है मतलब नेगेटिव ही मिला अल्टीमेटली। और उन्होंने नेक्स्ट एक डेट सबमिट कर दी कि हम जो 2016 में हम देंगे, तो ये कोई टेंटेटिव शो नहीं है। और आगे SSP साहब कहते हैं कि जो है हम जो है आप जो है कोर्ट में जाइए। साफ बात है कि ये लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ ऐसे ही चंद्रेश हैं जो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था और अभी तक इनको जो है पोजीशन नहीं मिला है। आपने किस जगह पे इन्वेस्ट किया था और क्या बिल्डर ने क्या वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं कर पाए? ये यूनिटेक नोएडा सेक्टर 117 में इन्वेस्ट किया था हम लोगों ने 2009 के एंड में किया था,
और उसमें 2011 तक पजेशन देना था, लेकिन 2011 के बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे डेट बढ़ाते गए और उसमें पहले एक साल बोला, फिर और एक साल बोला, फिर और एक साल बोला, इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसका कोई एंड नहीं लग रहा है और ना ही कोई वो अपना ऐसा कॉन्क्रीट प्लान हमको दिखा रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिनिश करने जा रहे हैं। वो तो जब अगली डेट आएगी उसके बाद फिर बता देंगे एक साल, मतलब कोई सब अंधेर में है, कोई पता नहीं चल रहा है। हमारा यही वो है कि गवर्नमेंट कुछ इसमें ऐसा रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज करे जिससे कि ये जो है ना उसके कंट्रोल में काम करें और टाइमली जो है ना पजेशन दें। दूसरा अपने लिए तो अगर थोड़ा सा हमारा डिले हो जाता है इंस्टॉलमेंट का तो उसका 18% हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ ये 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देने की बात करते हैं जो 1% भी नहीं बैठता है, तो इस हिसाब से जो है ना वो भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो 18% चार्ज करते हैं तो उनको भी हमको रिटर्न में पेनल्टी के लिए 18% का इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हम वो इंटरेस्ट जो है बैंक को ऑलरेडी दे रहे हैं और हम लोग किराए पर रह रहे हैं, तो उधर तो हम किराया दे ही रहे हैं और इधर इंटरेस्ट जो है ना फ्री में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए। जी मोइन आपके पास हम लौटेंगे। यहाँ इन बायर ने जो सवाल उठाया वो बहुत अहमियत है कि बिल्डर अगर देरी से पेमेंट की जाए तो उस पर 18% का ब्याज लगाता है और जब पेनल्टी देने की बात आती है तो 5 रुपये स्क्वायर फीट या 10 रुपये स्क्वायर फीट की बात आ जाती है। तो मुनीश क्या लगता है ये जो इम्बैलेंस है वो क्योंकि एग्रीमेंट में बिल्डर हावी रहता है इस वजह से है? जब हम रियल एस्टेट रेगुलेटर की मांग करते हैं तो इसे लेकर अभी तक कुछ हुआ है क्या या सरकार इसे लेकर सुस्त रही है, उसकी कोई खास वजह है? देखिए सरकार इसको लेके सुस्त है ये तो बहुत एविडेंट है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा इतने सारे इन्वेस्टर्स की ये बात सुनते हुए कि उनके पास कोर्ट में जाने की लीगल रेमेडी डेफिनेटली अवेलेबल है। कंज्यूमर कोर्ट में वो अपनी बात जाके रख सकते हैं और पिछले दिनों में कंज्यूमर कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने बिल्डर को बाध्य किया है कि आप इस तरीके से इनको पेनल्टी दें या पैसा रिफंड करें। अभी रिसेंटली भी एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है जिसमें बहुत नामी गिरामी बिल्डर को कहा गया है कि आप जब तक ये केस पेंडिंग है जो इन्वेस्टर पैसा वापस मांग रहे हैं उनको आप कीजिए। जहां तक एग्रीमेंट में ये डिफेक्ट है कि जो इन्होंने बात कही कि इनको कुल मिला के जो रिफंड मिलने वाला है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है कंपेयर टू जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है, या एग्रीमेंट में और भी ऐसे जो क्लॉजेज हैं जो लॉपसाइडेड हैं बिल्डर के फेवर में हैं, उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये लॉबिंग करके केस फाइल कर सकते हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही उम्दा जजमेंट्स दिए हैं जहां पे बिल्डर्स को नामी गिरामी बिल्डर्स को अपने एग्रीमेंट्स में चेंजेस करने पड़े हैं। बिल्कुल, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी ये ऑर्डर दिया है कि करीब 20 बिल्डरों को नोटिस देते हुए कहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसका जवाब दीजिए। तो शायद एक कदम बढ़ रहा है आगे और शायद अब खरीदारों की सुनी जाए। लेकिन जहाँ तक कोर्ट में जाने का सवाल है उस पर मैं डॉक्टर वेंकट से पूछना चाहूँगी। मेरे जैसे को अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगी मुझे नहीं पढ़ना कोर्ट कचहरी के पचड़े में। आप लोगों ने कभी सोचा इसके बारे में कि कोर्ट के पास जाएं या आप लोग भी सोचते हैं कि बस मकान मिल जाए उसके बाद सारी ये सरदर्दी खत्म हो? जी हमने एसोसिएशन बनाया है, अभी रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इतने सारे बायर्स को एक साथ इकट्ठा करके सब मिल के लॉयर हायर करके ये करना कोई आसान बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक घर लिया है ना, मैंने इतना बड़ा लीगल फाइट तो नहीं लिया है। एक जेपी इतना बड़ा बिल्डर है, इतना कस्टमर फ्रेंडली ये हो सकता है कि वो सुपर एरिया ना बढ़ाए, चुपचाप अपना कॉम्पेंसेशन दे दे, इन चीज़ों ये कोई मांग करने की चीज़ है? बिल्कुल, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ दो बिल्डर्स का ही नहीं है, ये मुद्दा देश के तमाम शहरों में अलग अलग बिल्डर्स के साथ बायर्स को झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा और इस पर हम मोइन के पास चल सकते हैं। मोइन, वहाँ पर आपके साथ जो बायर्स मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या वो कानूनी विकल्प आजमाने के बारे में सोच रहे हैं या कंज्यूमर फोरम में जाकर बिल्डर की शिकायत करने के बारे में उन्होंने सोचा है या कुछ प्रयास किया है इस पर? जी मैं मेरे साथ चंदर है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए कि इनके ख़िलाफ़ आप कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं या कुछ वकीलों को हायर करके कुछ आपने किया है? अभी मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट जेपी क्रिसेंट होम्स में है विच इज़ पार्ट ऑफ अ बिग जेपी विस्टाउन, जिसमें हमारे ये 2010 में लॉन्च हुआ था और आज की डेट पर ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है विच इज़ सपोज टू बी अ 30th फ्लोर बिल्डिंग।
एंड मेरे बेसिकली तीन कंसर्न है जिसके लिए हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, अभी तक जा नहीं पाए हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड हमारे तीन क्वेश्चन है, नंबर वन दैट इज़ डेट ऑफ पोजिशन, वो डेट ऑफ पोजिशन जो होती है दैट शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ यू कैन से लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट और यू कैन से पहली जो भी उसकी बुकिंग होती है समथिंग लाइक दैट। बट ये जो बिल्डर्स यू कैन से अप्रोच फॉलो करते हैं वो हर एक कस्टमर के लिए अलग यू कैन से डेट ऑफ पोजिशन होती है, जिस दिन उसने बुक कराया उस दिन से उनकी तीन साल और साढ़े तीन साल का पोजीशन स्टार्ट होता है, जिस विच इज़ क्लियरली अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड रॉन्ग इंटेंट। यदि कोई यदि 2010 के प्रोजेक्ट को 2014 में खरीद रहा है तो इसकी तीन साल ऐड कर दें तो इट वुड बी 2017, जो पहले बुक कराया था वो तो बेवकूफ़ बन गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन है अबाउट पेनाल्टी, जब हम एक इंस्टॉलमेंट या एक भी यू कैन से पार्ट ऑफ पेमेंट डिले करते हैं तो वो 18% कोई 12% चार्ज करते हैं, बट जब कस्टमर को जब आप प्रोजेक्ट डीले करते हो तो देते हो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, विच इज कभी कमिंग अराउंड 1.5 पर स्क्वायर फीट, सॉरी पर 1.5%, विच इज नो वेयर यू कैन से कंपेरेबल टू दी इंटरेस्ट चार्ज बाय देम। एंड 1.5% उन्हें यदि कोई यू कैन से फंड मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसको डाइवर्ट करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए इनिशिएट ऑफ यू कैन से टेकिंग इट फ्रॉम द बैंक। तो हाउ टू हैंडल दिस? एंड थर्ड माई क्वेश्चन इज दी यू कैन से सुपर एरिया, वो एट द टाइम ऑफ पोजिशन सुपर एरिया इंक्रीज कर देते हैं टू कंपनसेट ऑल दी पेनाल्टीज, तो यहाँ पर भी हम लॉस में, यदि हम से फाइट करके यदि परसेंटेज ऑफ यू कैन से पेनाल्टी को बढ़ा भी देते हैं तो वो सुपर एरिया इंक्रीज करके कंपनसेट कर देंगे, तो हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, दैट्स माई यू कैन से की कंसर्न। जी जी, इनका भी यही कहना है कि ये क्योंकि ये इन्होंने बहुत मेहनत से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद भी अभी तक इनको पोजिशन नहीं मिला है। एक और है मेरे साथ राजा हैं, जो इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, लीगल तौर पर क्या कुछ आपने कोशिश करी है, क्या इन बिल्डरों के ख़िलाफ़ आप गए हैं या क्या किया है? सो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो यूनिटेक यूनी होम्स में है, और क्योंकि हम बायर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट गोइंग टू द कंज्यूमर कोर्ट, हमने कंज्यूमर कोर्ट में केस अपने रजिस्टर कराए हैं, बट क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में भी इतना लोड है कि हमारी एक डेट आने में 6 मंथ्स लग जाते हैं और ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, अभी कोर्ट से भी कोई हमें रिलैक्सेशन इस तरह का कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, 5% GDP में जाता है इस इंडस्ट्री से, लेकिन ये इंडस्ट्री पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। इसी साल 2 महीना पहले यूपी 2010 अपार्टमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट तो हो गया है, बट उसके अगेंस्ट में अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे बिल्डर्स के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया उसका हमें कोई पता नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर हम दूसरी किसी चीज़ की बात करें, एक स्टेट नेशनल लेवल पे जो हमारा बिल पड़ा हुआ है रियल इस्टेट बिल, वो आज तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो कुल मिला के कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ? ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो कि हमको कोई राहत दे सके, हमको कोई सोल्यूशन बता सके, एक्सेप्ट वी आर फॉलोइंग दीज बिल्डर्स एंड जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट वट एवर दे आर प्रॉमिसिंग वी विल गेट अवर फ्लैट्स ऑन दोज रेट्स। जी, साफ तौर पर इनको जो है दोहरी मार है, एक तरफ अपनी मेहनत के कमाई करे हुए पैसों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही एक कानूनी जंग भी लड़नी पड़ रही है ऐसे बिल्डरों के खिलाफ। जी बिल्कुल, और यहाँ तो हम देख रहे हैं मोइन की काफ़ी अवेयर बायर्स हैं, इनको जानकारी है, ये जानते हैं कि इनके हक क्या हैं और क्या क्या हो रहा है आजकल। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मुनीश की, आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात की, तो उन्होंने तो अब जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है वो कार्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या कहीं कार्टलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं 20 बिल्डर बैठ करके या जितने नामी बड़े बिल्डर हैं वो बैठ करके ये तय कर लेते हैं कि हम ऐसा ही फॉर्मेट रखेंगे, इतने ही प्राइसेस रखेंगे, तो आपको लगता है कि आज की डेट में जो बहुत ही लॉपसाइडेड सा एक इक्वेशन हो गया बायर और बिल्डर का, वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है? मैं समझता हूँ कि मेरा जवाब इसमें हाँ रहेगा कि ऐसा लगता है कि कार्टलाइजेशन बन गया है, क्योंकि आप देखें प्रोजेक्ट्स ऐसी जगहों पे लॉन्च हो रहे हैं स्क्वायर फुटेज के अंदर जहाँ पे लैंड पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है, और जो गलेबल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट किए जा रहा है बिना ये जाने कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, बिल्डर की रेपुटेशन क्या है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक कार्टलाइजेशन की बात है तो उसमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन इसमें लेजिस्लेचर का भी बहुत बड़ा रोल है कि रेगुलेटर को अपॉइंट करना चाहिए, रेगुलेटर को ये देखना चाहिए एरिया वाइज कि क्या रेट्स हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहा है,
क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इतना सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सिनारियो है। जी, अभी हम एक फ्लैट बायर को सुन रहे थे जो कि हमारे संवाददाता के साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट भी वो गए, वहाँ 6 महीने डेट मिलने में ही लग जाते हैं, फैसला तो जब आएगा सो आएगा। तो इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं क्या? कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं मुनीश आपकी नज़र में जहाँ पर बायर्स को राहत मिली हो, जो कि एक रे ऑफ होप हो सकती है पीड़ित लोगों के लिए? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए कोर्ट्स एक आखिरी राह है जिस पे वो चल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि इंडिविजुअली अप्रोच न करके अगर एसोसिएशन के तौर पे जाएं तो ज़्यादा राहत मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स अभी आए हैं बहुत नामी गिरामी बिल्डर्स के अगेंस्ट नोएडा में, वो तभी आए हैं जब लोग एक साथ मिलके गए हैं। तो शायद कंज्यूमर कोर्ट तो ऑप्शन है ही है, लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिलके जहाँ पे हज़ारों एग्रीमेंट्स ऐसे बन रहे हैं, हज़ारों अलॉटमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, तो एक एसोसिएशन बना के अगर प्रेशर बनाएंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में या लेजिस्लेचर में, तो शायद रिजल्ट जल्दी आएंगे। जी, तो यहाँ वेंकट आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जबकि आपके साथ ये हुआ है 2009 से आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम में से कई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं रियल एस्टेट सबसे अच्छा तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, उसके बाद से आपका नज़रिया अब क्या बदला है? मैं तो यही कहूँगा कि रियल एस्टेट मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं किया था, मुझे घर लेने के लिए किया था। मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, मुझे सिर्फ फ्लैट चाहिए और मेरे उम्मीद जो है वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर है, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है यूपी अपार्टमेंट एक्ट में जो है सुपर एरिया इंक्रीज इलीगल है, और मैं यही होप करूँगा कि कोर्ट जेपी के ऊपर ये इम्पोज करें। तो इसी के साथ हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, मुनीश आपका, डॉक्टर वेंकट अय्यर आपका, और बोइन आपके साथ जो वहाँ खरीदार मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पर वक्त हो गया है कि सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर अपॉइंट करना चाहिए, और जब तक कानून नहीं बनता इसे लेकर तब तक बिल्डरों की मनमानी ऐसे ही ना चलती रहे, इन पर लगाम कसी जा सके इसके लिए सरकार को कुछ कुछ जरूर करना चाहिए। और निवेशकों और खरीदारों के लिए भी यह सलाह कि अगर साथ आ जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, बिल्डर पर दबाव बनाया जा सकता है अगर आप बड़ी संख्या में एक होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएं और अदालत जाएं, इसके सबूत हाल में देखने को भी मिले हैं।